hey kids how are you i hope you all are fit and fine so welcome to today's maths class today we will do multiplication we have already learned to multiply a two and three digit number by one or two digit number here we shall use the same procedure to multiply larger number first a multiplication of a number by one digit number जो मैथड यूज़ करेंगे वो एक्सपेंडेशन फॉर्म का होगा मैथड वन एक्सपेंडेड नोटेशन मैथड मल्टीप्लाई 245 बाय 7 245 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या किया 245 हंड्रेड फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन वी कैन राइट टू इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हंड्रेड प्लस फोर्टी प्लस फाइव इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से तो हमने ब्रैकेट के अंदर तीन नंबर हैं उनको सेपरेटली मल्टीप्लाई किया सबसे पहले टू हंड्रेड इंटू सेवन देन फोर्टी इंटू सेवन देन फाइव इंटू सेवन टू हंड्रेड इंटू सेवन दैट इज इक्व टू फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी इंटू सेवन दैट इज इक्वस टू टू एटी एंड सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव तो इसको ऐड करके हमारा आंसर क्या आ गया वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टीन इस तरीके से करेंगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू को मल्टीप्लाई करना है सिक्स से अगेन सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे दैट इज़ सेवन हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस टू को मल्टीप्लाई करना है सिक्स से तो हम सेपरेटली हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन हंड्रेड इंटू सिक्स प्लस फिफ्टी इंटू सिक्स प्लस सिक्स इंटू टू ये हो जाएगा फोर्टी देन फिफ्टी इंटू सिक्स हो जाएगा थ्री टू इंटू सिक्स ट्वेल्व टोटल हो जाएगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू सिक्सटी सेवन को मल्टीप्लाई करना है 8 से तो सबसे पहले क्या करेंगे टू सिक्सटी सेवन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे दैट इज़ टू हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस सेवन और मल्टीप्लाई करना है 8 से सबसे पहले टू हंड्रेड इंटू एट प्लस सिक्सटी इंटू एट 7 सेवन इंटू एट टू हंड्रेड इंटू एट हो जाएगा सिक्सटीन हंड्रेड ये हो जाएगा 16 इंटू एट फोर हंड्रेड एट्टी सेवन इंटू एट फिफ्टी सिक्स टोटल करेंगे तो आ जाएगा टू so, थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी सिक्स तरीके से हमें एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करके मल्टीप्लाई करना है चलिए आगे बढ़ते हैं दिस मैथड कैन बी एक्सटेंडेड टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर ऑब्जर्व द एग्जाम्पल गिवन बिलो हम करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल वो क्या है 1275 को मल्टीप्लाई करना है सिक्स से सबसे पहले वन थाउजेंड टू हंड्रेड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे दैट इज वन थाउजेंड प्लस टू हंड्रेड प्लस सेवनटी प्लस फाइव मल्टीप्लाई करना है सिक्स से सबसे पहले थाउजेंड इंटू सिक्स प्लस टू हंड्रेड इंटू सिक्स देन सेवनटी इंटू सिक्स प्लस फाइव इंटू सिक्स अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा सिक्स थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड सेवेंटी इंटू सिक्स फोर ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स थर्टी इनको टोटल करेंगे तो आ जाएगा सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी गॉट इट एक और एग्जांपल लेते हैं फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी को मल्टीप्लाई करना एट से सबसे पहले फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा फोर थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस नाइन्टी प्लस इसको मल्टीप्लाई करना ऐट से फोर थाउजेंड इंटू एट हो जाएगा प्लस थ्री हंड्रेड इंटू एट प्लस नाइन्टी इंटू एट प्लस जीरो इंटू एट फोर थाउजेंड इंटू एट हो जाएगा थर्टी टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड इंटू एट हो जाएगा ट्वेंटी फोर हंड्रेड नाइन्टी इंटू एट हो जाएगा सेवन ट्वेंटी एंड ज़ीरो इंटू एट जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी नेक्स्ट एग्जाम्पल 5437 को मल्टीप्लाई करना है सिक्स से अगेन हम इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे दैट इज़ 5000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 7 मल्टीप्लाई करना हमें सिक्स से 5000 थाउजेंड इंटू सिक्स प्लस फोर थाउजेंड इंटू सिक्स प्लस थर्टी इंटू सिक्स प्लस सेवन इंटू सिक्स अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव थाउजेंड इंटू सिक्स थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर हंड्रेड थर्टी इंटू सिक्स वन एटी एंड सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा थर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी टू इस तरीके से हमें इनको मल्टीप्लाई करना है अब नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन विदाउट कैरिंग ओवर फर्स्ट एग्जांपल है मल्टीप्लाई थ्री हंड्रेड फोर्टी वन बाई टू थ्री हंड्रेड फोर्टी वन को टू से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले नंबर को अरेंज करेंगे थ्री फोर्टी वन है इसको मल्टीप्लाई करना है टू से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे वन से स्टार्ट करेंगे वंस में क्या है टू मल्टीप्लाई बाय वन दैट इज़ टू वंस तो हम यहाँ लिख दिया टू देन टेंस हम इस नंबर को टू को करेंगे फोर से फोर टू से क्या हो जाएगा एट एट टेंस या हम एट लिख देंगे देन हंड्रेड थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स सिक्स हंड्रेड सो वी विल राइट सिक्स तो हमारा आंसर क्या आ गया सिक्स हंड्रेड एटी टू ठीक है इस तरीके से नंबर को अरेंज करना है और मल्टीप्लाई करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन विथ कैरिंग ओवर फर्स्ट एग्जाम्पल है 342 को मल्टीप्लाई करना है सेवन से सबसे पहले अगेन नंबर्स को अरेंज करेंगे थ्री फोर्टी टू को हमने करना है सेवन से सबसे पहले वन से स्टार्ट करेंगे सेवन इंटू टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवन टू साफ फोर्टीन फोटीन हम फोर यहाँ लिख देंगे और वन क्या हो जाएगा हमारा कैरी ओवर नेक्स्ट अब हम करेंगे टेंस की पोजीशन वाले नंबर को ऐड यानी कि सेवन इंटू फोर क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट और वन हमारा कैरी ओवर था तो ये हो गया ट्वेंटी नाइन नाइन यहाँ लिख दिया टू कैरी ओवर अब हम करेंगे हंड्रेड की पोजीशन वाले नंबर को थ्री इंटू सेवन देट इज़ ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है वंस देन टेंस एंड देन हंड्रेड टू इंटू सेवन फोर्टीन वंस दैट इज इक्वल टू वन टेन प्लस फोर वंस नाउ फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट टेंस ट्वेंटी एट टेंस प्लस वन टेन कितने जाएंगे ट्वेंटी नाइन टेंस दैट इज इक्वल टू टू हंड्रेड प्लस नाइन टेंस राइट नाइन टेंस प्लेस एंड कैरी टू हंड्रेड टू हंड्रेड प्लेस नेक्स्ट हम क्या करेंगे थ्री इंटू सेवन दैट इज ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड दैट इज अगेन इक्वल टू टू थाउजेंड प्लस थ्री हंड्रेड राइट थ्री इन हंड्रेड प्लेस एंड टू इन थाउजेंड्स प्लेस इस तरीके से अगर कैरी ओवर वाले हैं मल्टीप्लीकेशन तो हमें इस तरीके से करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन विदाउट कैरिंग ओवर मल्टीप्लाई थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी टू बाय टू थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी टू को किससे मल्टीप्लाई करना है टू से सबसे पहले क्या करेंगे नंबर्स को अरेंज करेंगे हमने नंबर्स को लिख दिया थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी टू को मल्टीप्लाई करना है टू से मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया 1 से स्टार्ट करेंगे टू इंटू टू फोर वंस की पोजिशन पर आ जाएगा फोर देन फोर इंटू टू एट देन टू इंटू वन दैट इज टू थ्री इंटू टू सिक्स तो आंसर क्या आ गया सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एटी फोर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एटी फोर नाव मल्टीप्लीकेशन विथ कैरिंग ओवर इसे कैसे करेंगे मल्टीप्लाई वन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स बाई फोर सबसे पहले अगेन नंबर्स को अरेंज करेंगे नंबर को हमने अरेंज किया हमें इसको वन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी सिक्स को मल्टीप्लाई करना है फोर से वंस की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे सिक्स इंटू फोर दैट इज ट्वेंटी फोर फोर हमने यहाँ लिख दिया टू कैरी ओवर सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर वंस टू टेंस प्लस फोर वंस राइट फोर इज वंस प्लेस एंड कैरी टू टेंस टू टेंस प्लेस कॉट इट नेक्स्ट अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेवन फोर सा ट्वेंटी एट प्लस टू थर्टी हो गया तो हमने लिख दिया जीरो एंड थ्री कैरी ओवर सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट टेंस ट्वेंटी एट टेंस प्लस टू टेंस दैट इज़ थर्टी टेंस थ्री हंड्रेड प्लस जीरो टेंस राइट ज़ीरो इन द टेंस प्लेस एंड कैरी थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड प्लेस ये हमने कैरी ओवर कर दिया है नेक्स्ट अब हम हंड्रेड की प्लेस पर पे जाएंगे ये हो जाएगा टू इंटू फोर दैट इज़ एट एट प्लस थ्री हो जाएगा अलेवन तो वन यहाँ लिख देंगे वन कैरी ओवर 4 into 2, 800, 800 plus 300 that is equal to 1100 that is equal to 1000 plus 100. Write 1 in 100 place and carry 1000 to 1000 place. Got it? Next up 1000 ki place pe jo number hai that is 1 into 4 plus 1, 5. I'll write here 5. 1 into 4, 4000 that is equal to 4000 plus 1000 that is equal to 5000. राइट फाइव इन थाउजेंड प्लेस ये हमने लिख दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड फोर तो इस तरीके से हमें जो कैरी ओवर वाले मल्टीप्लीकेशन है वो ऐसे करना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करना है हम आगे करते हैं नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय टेन ट्वेंटी थर्टी सो ऑन टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय टेन द प्रोडक्ट इज ऑपटेन बाय प्लेसिंग वन जीरो ऑन द राइट ऑफ द नंबर अगर किसी नंबर को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे जो नंबर है उसके राइट एंड साइड पे वन जीरो एड कर देंगे टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी नाइन्टी वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन रेस्पेक्टिवली द प्लेस वन जीरो ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई फोर्टी टू बाई थर्टी हमें फोर्टी टू को थर्टी से मल्टीप्लाई करना है फोर्टी टू को मल्टीप्लाई करना है थर्टी से तो थर्टी को हम क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू टेन तो हम क्या Separately से करेंगे सेपरेटली यहाँ पे फोर्टी टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन टेन से तो 42 टू इंटू हो जाएगा 126 और उसको 10 से करेंगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे तो क्या आ जाएगा 1260 नेक्स्ट है 105 को मल्टीप्लाई करना है 60 से तो फर्स्ट क्या करेंगे 105 को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 10 क्योंकि 60 को हम लिख सकते हैं सिक्स इंटू तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 630 थर्टी इंटू टेन तो क्या करेंगे सिक्स थर्टी के राइट हैंड साइड पे एक जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिक्सटी थ्री हंड्रेड तो इस तरीके से अगर कोई भी नंबर है उसको हम टेन ट्वेंटी थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे उनके राइट हैंड साइड पे एक जीरो ऐड कर देंगे नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नंबर बाय टू डिजिट नंबर अब टू डिजिट नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे मल्टीप्लाई फोर्टी एट बाय सेवनटीन बोथ आर टू डिजिट नंबर फर्स्ट स्टेप होगा अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम सेकेंड मल्टीप्लाई फोर्टी एट 7 सेवन मल्टीप्लाई फोर्टी एट बाय टेन एट द प्रोडक्ट कैसे करेंगे देखते हैं फोर्टी एट को हमें सेवनटीन से मल्टीप्लाई करना है सेवनटीन को वी कैन राइट सेवन प्लस टेन और टेन प्लस सेवन सबसे पहले मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं सेवन को एट से करेंगे तो क्या हो जाएगा फिफ्टी सिक्स सिक्स हम यहाँ लिख देंगे फाइव कैरी ओवर हो जाएगा सेवन फोर जो ट्वेंटी एट प्लस फाइव थर्टी थ्री ये हो गया नेक्स्ट हम हाँ यहाँ पे क्योंकि टेन है तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे अब हम हाँ नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे वन को करेंगे एट से वन इंटू एट एट वन इंटू फोर फोर अब हम हाँ इन दोनों को ऐड करेंगे सिक्स प्लस ज़ीरो सिक्स एट प्लस थ्री अलेवन वन कैरी ओवर हो गया फोर प्लस थ्री सेवन प्लस वन एट तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया एट हंड्रेड सिक्सटीन इस तरीके से हमें टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई टू हंड्रेड फोर्टी फाइव बाई ट्वेंटी थ्री टू हंड्रेड फोर्टी फाइव को ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी थ्री को हम लिख सकते हैं ट्वेंटी प्लस थ्री अगेन सबसे पहले हम इस नंबर से स्टार्ट करेंगे थ्री से थ्री को इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे सो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं फाइव इन टू थ्री फिफ्टीन फाइव या आ गया वन कैरी ओवर नेक्स्ट थ्री को करेंगे फोर से फोर थी जर ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन राइट थ्री हेयर अगेन वन कैरी ओवर देन थ्री को करेंगे टू से थ्री टूजा सिक्स प्लस वन सेवन इट अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे एक जीरो लगा देंगे ज़ीरो ऐड कर देंगे अब हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों डिजिट से सबसे पहले फाइव से टू फाइव जै टेन जीरो आ गया और वन कैरी ओवर आ गया देन टू को करेंगे फोर से फोर टू सा एट प्लस वन नाइन नाइन लगा दिया हमने देन टू टू सा फोर अब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे फाइव प्लस जीरो फाइव थ्री प्लस जीरो थ्री सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन हो जाएगा वन कैरी ओवर फोर प्लस वन फाइव तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है एक और एग्जांपल लेते हैं टू थाउजेंड फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करना है सिक्सटीन से कैसे करेंगे पहले कॉलम में अरेंज करेंगे टू थाउजेंड फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करना है सिक्सटीन से वी कैन राइट सिक्सटीन एज टेन प्लस सिक्स अगेन सिक्सटीन क्या है टू डिजिट नंबर है तो सबसे पहले वंस की प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज सिक्स सिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे चारों डिजिट से तो सिक्स इंटू फाइव दैट इज़ थर्टी ज़ीरो यहाँ आ गया नेक्स्ट थ्री कैरी ओवर हो जाएगा सिक्स इंटू वन सिक्स प्लस थ्री नाइन विल राइट नाइन हेयर देन सिक्स को ज़ीरो से करेंगे तो जीरो आएगा देन सिक्स टू जा ट्वेल्व विल राइट हेयर ट्वेल्व ओके नेक्स्ट नंबर क्या है प्लेस पे वन वन को हम चारों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इंटू वन फाइव वन इंटू वन 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 इंटू जीरो ज़ीरो वन इंटू टू टू अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो नाइन प्लस फाइव हो जाएगा फोर्टीन फोर four आ जाएगा अगेन वन कैरी ओवर वन प्लस वन टू टू प्लस ज़ीरो टू टू प्लस वन थ्री तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा थर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी इस तरीके से हमें जो टू डिजिट नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी विल डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड सो ऑन टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय हंड्रेड वी प्लेस टू जीरो ऑन द राइट ऑफ द नंबर टू गेट द प्रोडक्ट हम क्या करते हैं अगर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो राइट right साइड पर टू जीरो एड कर देंगे टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 200, 300, 400, 500, फाइव वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय टू थ्री फोर जो भी डिजिट है 100 की प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देस टू जीरो ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट जो भी आएगा उसके राइट हेन्ड साइड पे टू जीरो एड कर देंगे एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लाई फिफ्टी एट बाय टू हंड्रेड फिफ्टी एट को मल्टीप्लाई करना है टू हंड्रेड से टू हंड्रेड को वी कैन राइट टू इन हंड्रेड फर्स्ट हम क्या करेंगे 58 को मल्टीप्लाई करेंगे टू से 58 एट इंटू टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड फिफ्टी एट इंटू टू हो जाएगा 116। उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे राइट एंड साइड पे जो भी प्रोडक्ट आया उस पर टू जीरो एड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11600। एक और एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई 76 सिक्स इंटू फोर फोर हंड्रेड को हम लिख सकते हैं फोर इंटू हंड्रेड तो फर्स्ट क्या करेंगे 76 सिक्स को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी सिक्स इंटू फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सेवेंटी सिक्स इंटू फोर दैट इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड फोर अब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट क्या है थ्री हंड्रेड फोर और टू जीरो ऐड कर देंगे तो थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड इस तरीके से हमें इनको मल्टीप्लाई करना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय थ्री डिजिट नंबर अभी हमने किया था टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई अब हम करेंगे थ्री डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड फोर्टी सेवन अब हमें मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी थ्री को वन हंड्रेड फोर्टी सेवन से फर्स्ट कॉलम में अरेंज करना है हमने अरेंज कर लिया अब स्टार्ट करेंगे हम ट्वेंटी थ्री को वन फोर्टी सेवन से तो सबसे पहले क्या करेंगे जो वंस की प्लेस पर डिजिट है दैट इज सेवन वन फोर्टी सेवन में वंस की प्लेस पर क्या है सेवन सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन तो वन आ जाएगा टू कैरी ओवर हो जाएगा सेवन टू सा फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन तो सिक्सटीन आ गया देन हम यहाँ पे क्या कर देंगे एक जीरो ऐड करेंगे क्योंकि टेंस की प्लेस पे है यहां पे जीरो ऐड किया अब फोर को करेंगे थ्री से फोर थ्री सा ट्वेल्व टू आ गया वन कैरी ओवर देन फोर टू सा एट प्लस वन नाइन अब हम करेंगे हंड्रेड की प्लेस वाली डिजिट वन वन को थ्री से किया पहले क्या करेंगे दो जीरो ऐड कर देंगे यहाँ क्योंकि हंड्रेड की प्लेस पे है तो दो जीरो ऐड किए वन को थ्री से किया थ्री वन को टू से किया टू अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो वन सिक्स प्लस टू प्लस ज़ीरो एट नाइन प्लस वन टेन प्लस थ्री थर्टीन का थ्री आ जाएगा वन कैरी ओवर टू प्लस वन थ्री इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी वन एक और एग्जांपल लेते हैं फाइंड द प्रोडक्ट फिफ्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर हंड्रेड एट 57 को मल्टीप्लाई करना है 408 से 408 क्या है थ्री डिजिट नंबर सबसे पहले क्या करेंगे नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे 57 सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर हंड्रेड को हम लिख सकते हैं 400 हंड्रेड प्लस एट सबसे पहले 8 को करेंगे 7 से 8 सेवनज फिफ्टी सिक्स राइट सिक्स एयर और फाइव कैरी ओवर देन एट फाइव फोर्टी प्लस फाइव फोर्टी फाइव आ जाएगा नेक्स्ट रो में करेंगे तो हम क्या करेंगे टेंथ की प्लेस पे है तो सबसे पहले एक ज़ीरो ऐड करेंगे बट यहाँ पे क्या है हमें नंबर्स को जीरो से मल्टीप्लाई करना है या टेंथ की प्लेस पे क्या है जीरो सो so, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा तो so, हमने स्टेप को स्किप कर दिया है थर्ड हंड्रेड की पोजिशन पर क्या है फोर अब फोर को करना है सेवन से तो सबसे पहले हंड्रेड की पोजिशन पर मल्टीप्लाई करें तो टू ज़ीरो ऐड कर देंगे यहाँ पे देन फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट एट आ गया टू कैरी ओवर हो गया देन फोर फाइव ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू अब हम इन दोनों नंबर को एड करेंगे सिक्स प्लस जीरो सिक्स हो जाएगा फाइव प्लस जीरो फाइव एट प्लस फोर ट्वेल्व हो जाएगा वन कैरी ओवर आ जाएगा टू प्लस वन थ्री एंड टू प्लस जीरो टू तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड 256, so सो इस तरीके से हमें थ्री डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई टू फिफ्टी सिक्स बाय थ्री हंड्रेड को 312 से मल्टीप्लाई करना है दोनों थ्री डिजिट नंबर है सबसे पहले उनको कॉलम अरेंज करना है एंड मल्टीप्लाई करना है 256 फिफ्टी सिक्स इंटू थ्री को हम क्या लिख सकते हैं 300 हंड्रेड प्लस टेन प्लस टू दैट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ थ्री हंड्रेड ट्वेल्व अब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो जाएगा टू और वन कैरी ओवर देन फाइव इंटू टू टेन प्लस वन एलेवन वन और ये वन कैरी ओवर देन टू टू जब फोर प्लस वन फाइव लिख देंगे अब टेंस की प्लेस पे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देंगे अब स्टार्ट करेंगे सिक्स इंटू वन सिक्स फाइव इंटू वन फाइव एंड टू इंटू वन टू हो गया नेक्स्ट आप हंड्रेड की पोजिशन पर स्टार्ट करें टू ज़ीरो ऐड करेंगे या हमने टू ज़ीरो लिख दिए अब स्टार्ट करेंगे थ्री इंटू सिक्स एटीन वन कैरी ओवर हो गया नेक्स्ट थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सिक्स लिख दिया वन कैरी ओवर थ्री टू जी सिक्स प्लस वन सेवन अब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे टू प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो टू वन प्लस सिक्स प्लस ज़ीरो सेवन फाइव प्लस फाइव टेन प्लस एट एटीन एट आ गया वन कैरी ओवर सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन और ये हो जाएगा सेवन तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी टू तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से थ्री डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्वेश्चन आपको ख़ुद प्रैक्टिस करने है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स जिस तरीके से हम एडिशन में करते थे सब्ट्रैक्शन में एस्टिमेशन करते थे उसी तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन में एस्टिमेशन करना है फर्स्ट है एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फाइव टू एस्टिमेट ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर्टी फाइव हमें क्या करना है सबसे पहले नंबर को सेपरेटली राउंडिंग ऑफ करना है वी राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट टेन एंड देन मल्टीप्लाई मेंटली लाइक ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री को राउंड ऑफ करेंगे तो हमने देखा टेंथ की प्लेस पे टू उसके बाद है थ्री तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी क्योंकि टू के बाद है थ्री दैट इज़ लेस देन फाइव तो नंबर वही रहेगा और जो नेक्स्ट डिजिट है वो जीरो हो जाएगी फोर्टी फाइव में क्या है फोर के बाद फाइव है तो फोर की वैल्यू वन इंक्रीज़ हो जाएगी और राइट हैंड साइड पर जो डिजिट है वो ज़ीरो हो जाएगी तो बन जाएगा फिफ्टी तो ट्वेंटी इंटू फिफ्टी दैट इज़ थाउजेंड तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा थाउजेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्टी सेवन एंड एटी सिक्स टू एस्टिमेट फोर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई एटी सिक्स वी राउंड ऑफ द फर्स्ट नंबर अप एंड सेकेंड नंबर डाउन टू द नियरेस्ट टेंस एंड देन मल्टीप्लाई मेंटली। हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर को करेंगे राउंडिंग ऑफ फोर्टी सेवन है फोर के बाद सेवन है तो ये हो जाएगा फिफ्टी क्या कहता है फिर राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अप एंड सेकेंड नंबर डाउन तो हम यहाँ पे 86 को क्या कर देंगे 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4000 थाउजेंड दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज 4000 थाउजेंड नेक्स्ट इज एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 256 एंड 358 टू एस्टिमेट 256 फिफ्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री फिफ्टी एट वी राउंड ऑफ द फर्स्ट नंबर अप एंड सेकेंड नंबर डाउन टू द नियरेस्ट हंड्रेड एंड देन मल्टीप्लाई बेंटली तो सबसे पहले हम क्या करेंगे टू फिफ्टी सिक्स को राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड की पोजिशन पर है टू उसके बाद है फाइव तो क्या हो जाएगा टू के वैल्यू वन इंक्रीज हो जाएगी और बाकी ज़ीरो हो जाएगा तो थ्री हंड्रेड हो जाएगी इस नंबर को हमें क्या करना था राउंड ऑफ अप नेक्स्ट को डाउन करना है थ्री फिफ्टी एट है थ्री के बाद क्या है फाइव बट इसके पहले डाउन करनी है तो क्या हो जाएगी थ्री हंड्रेड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को तो क्या आएगा नाइन थाउजेंड दस द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज नाइन थाउजेंड इस तरीके से करना है एक और एग्जांपल लेते हैं एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फिफ्टी सिक्स एंड वन थर्टी एट बाय राउंडिंग ऑफ नंबर टू नियरस्ट हंड्रेड एंड नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर टू नियरस्ट टेंट फर्स्ट मल्टीप्लाई टू फिफ्टी सिक्स एंड वन थर्टी एट तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ करेंगे टू फिफ्टी सिक्स में क्या है हंड्रेड की पोजिशन पर टू है नियरेस्ट हंड्रेड करना है हमें राउंडिंग ऑफ हंड्रेड की पोजीशन पर टू है उसके बाद फाइव है तो क्या हो जाएगा जो हंड्रेड की पोजिशन पर डिजिट है उसकी वैल्यू वन इंक्रीज हो जाएगी वो हो जाएगा थ्री और बाकी नंबर जीरो हो जाएंगे तो थ्री हंड्रेड नेक्स्ट वन थर्टी एट को करना है वन थर्टी एट हंड्रेड की प्लेस पर वन उसके बाद है थ्री तो हंड्रेड की प्लेस पर जो डिजिट है उसकी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हंड्रेड थ्री हंड्रेड इंटू हंड्रेड दैट इज टू थर्टी थाउजेंड गॉट इट नेक्स्ट मल्टीप्लाई टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इन टू वन थर्टी एट टू फिफ्टी सिक्स को मल्टीप्लाई करना है वन थर्टी एट से तो इसमें क्या करना है राउंडिंग फर्स्ट नंबर डाउन एंड द सेकेंड नंबर अप फर्स्ट नंबर को डाउन करना है एंड सेकेंड को अप तो टू फिफ्टी सिक्स बन जाएगा टू फिफ्टी एंड वन थर्टी एट हो जाएगा अप करना है तो वन फोटी की प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये एग्जाम्पल्स आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट एग्जाम्पल है द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज वन हंड्रेड थर्टी फाइव फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी एट सच पेन एक पेन की कॉस्ट हुई है दैट इज़ वन हंड्रेड हमें ऐसे 28 एट पेन की कॉस्ट निकालनी है जब हमें वन की गिवन होती है और ज़्यादा की निकलना ही होती है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बिकॉज मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है बढ़ता है तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ रुपीज़ वन थर्टी फाइव कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी एट पेन वन थर्टी एट को ट्वेंटी एट से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एट को करेंगे एट फाइव सा फोर्टी ज़ीरो आ गया फोर कैरी ओवर एट थ्री सा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट एट यहाँ पर आ जाएगा टू कैरी ओवर एट वन सा एट प्लस टू टेन अब हम टेंस की डिजिट वाले को करेंगे तो पहले यहाँ जीरो ऐड करेंगे टू फाइव जा टेन जीरो आ जाएगा वन कैरी ओवर थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन देन टू वन ज टू अब हम दोनों को ऐड करेंगे जीरो प्लस जीरो जीरो एट प्लस जीरो एट जीरो प्लस सेवन सेवन टू प्लस वन थ्री तो ट्वेंटी एट पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी रुपीज आगे समझ में चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है अ कार्टन कंटेन वन फोर्टी फोर बॉल्स हाउ मैनी बॉल्स डू थर्टी सिक्स कार्टन कंटेन एक कार्टन में कितनी बॉल्स है वन हंड्रेड फोर्टी फोर अगर ऐसे ही थर्टी सिक्स कार्ट होंगे तो कितनी बॉल्स होंगी तो क्या करेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन वन कार्टन वन फोर्टी फोर नंबर ऑफ बॉल्स इन थर्टी सिक्स कार्टन थर्टी सिक्स कार्टन में कितनी है तो क्या करेंगे वन हंड्रेड फोर्टी फोर को मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी सिक्स से फर्स्ट स्टेप क्या है कॉलम में अरेंज करना और फिर मल्टीप्लाई करना तो कॉलम में अरेंज करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से करेंगे सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फ़ोर फोर आ जाएगा टू कैरी ओवर सिक्स फोर ज़्यादा ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स सिक्स आ जाएगा अगेन टू कैरी ओवर सिक्स वन ज़रा सिक्स प्लस टू एट अब हम टेस्ट के डिजिट वाले को करेंगे यहाँ जीरो ऐड कर देंगे थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व टू आ जाएगा वन कैरी ओवर थ्री फोर ट्वेल्व बॉल्स तो इस तरीके से हमें टू डिजिट थ्री डिजिट नंबर जो भी उनको मल्टीप्लाई करना है आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अब ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं